हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिक सिग्नल्स। बेसिक सिग्नल कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में है, वो है यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप एंड यूनिट रैम। आपके कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप और यूनिट रैम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है या फॉर्मूला है वो क्या होता है। वो होता है एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो ये तो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें एफ टी आपका गिवन फंक्शन होगा जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। और एफ टी क्या होगा, जो पहला होगा इम्पल्स फंक्शन, दूसरा होगा स्टेप फंक्शन, तीसरा रैम फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो जिसका लाप्लास हमें निकालना है वो है यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पर एफ टी इक्वल टू हो गया डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी हम जानते हैं, हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा है यूनिट इम्पल्स फंक्शन का डेल्टा टी होता है, ये होता है 1 व्हेन टी इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, केवल 0 पर ये इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है, बाकी सब पे 0 होता है। ठीक है, तो आइए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। हमें एफ टी दिया है डेल्टा टी, तो हमने क्या किया है, एफ एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ टी की जगह पर डेल्टा टी पुट कर दिया और ये एज इट इज रहा। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा टी और ई पावर माइनस एस टी ये जो इंटीग्रेशन है 0 से इनफाइनाइट, वो केवल टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू देगा, बाकी 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए उसकी वैल्यूज 0 होंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी फॉर टी इक्वल टू 0 1 होगा। ठीक है, और टी इक्वल टू 0 ई टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहां पर जो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया वो आ गया एफ एस इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी टी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 की वैल्यूज के लिए सब वैल्यूज 0 हो जाएंगे इसकी। तो हमें लाप्लास का ट्रांसफॉर्म मिला डेल्टा टी का 1। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा फंक्शन, दूसरा है यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन का फॉर्मूला एफ टी यहां पर है यूटी, और यूटी क्या होता है, यूटी होता है 1 फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 0। ठीक है, तो इसको फिर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहां पर एफ टी की जगह पर हमने यूटी पुट कर दिया। ठीक है, और यूटी इज इक्वल टू 1 होता है फॉर 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, 0 से सभी बड़ी वैल्यूज के लिए यूटी 1 होता है और नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया इट पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, फिर अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, ये इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ पर जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा इट पावर माइनस एस टी और नीचे हो जाएगा माइनस एस और लिमिट लगा दिया 0 टू इनफाइनाइट। ठीक, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई एस, ये माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एफ एस इक्वल टू आ गया 1 बाई एस। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 1 बाई एस। ठीक है, अब आते हैं तीसरे फंक्शन पे। तीसरा फंक्शन है हमारा यूनिट रैम फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर है एफ टी जो दिया है वो है आर टी, और आर टी क्या होता है हमने देखा है पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं जहां पर मैंने बेसिक सिग्नल्स पढ़ाया है। तो आर टी इक्वल टू टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 व्हेन टी इज लेस देन 0। ठीक है, आर टी इक्वल टू टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 व्हेन टी इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहां पर हमने आर टी रख दिया एफ टी की जगह पे और आर टी की वैल्यू हो गई टी। अब ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले मेथड से। मैथमेटिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो एक फार्मूला आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन यू डी वी इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इस फार्मूले से सॉल्व किया, यह जाएगा टी और इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन माइनस ये फर्स्ट इंटीग्रेशन और फिर डी बाई डेरिवेटिव ऑफ टी। ठीक है, वो 1 हो जाएगा, और जब इसको लिमिट रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई एच स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या देखा,
कि रैम फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/s², ठीक है। तो अभी एक बार तीनों फिर से देख लेते हैं, ठीक है। डेल्टा टी का लाप्लास क्या होता है हमारा 1, यू टी का लाप्लास होता है 1/s और आर टी का लाप्लास होता है 1/s², ठीक है। इसका जब लाप्लास लेंगे, राइट, आई होप आपको तीनों का लाप्लास निकालना आ गया होगा और ये कैसे वैल्यूज निकले ये भी आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।